अतीक अहमद की गाड़ी पलटने से बच गई, बाल बाल बचा। अतीक अहमद सूरत से प्रयागराज आने के नाम पर ही अतीक के छूटने लगे पसीने। यूपी पुलिस बल को देख अतीक ने कहा, मुझे मरना नहीं है। दरअसल यूपी का मोस्ट वांटेड गुंडा अतीक अहमद को आखिरकार यूपी लाया जा रहा है। कभी प्रयागराज में अपने नाम का डंका बजाने वाला अतीक अहमद आज योगी आदित्यनाथ के नाम को सुनने के बाद कांप उठता है। प्रयागराज आने के नाम पर ही अतीक को बार बार लग रही थी पेशाब। आपको बता दे, अतीक अहमद पर यूपी पुलिस ने सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी शिफ्टिंग अब सूरत से प्रयागराज कर दी है, जिसको लेकर कल यानी रविवार को सूरत से अतीक को प्रयागराज लाया जा रहा है। इसी बीच झांसी हाईवे के करीब अतीक अहमद की गाड़ी एक जानवर से टकरा गई। जानवर से टकराने के बाद गाड़ी पलटने से बच गई, मगर डर से अतीक की हालत खराब हो गई। अतीक अहमद को जब सूरत जेल से बाहर निकाला जा रहा था तो उस वक्त अतीक ने मीडिया से कहा कि मुझे प्रयागराज नहीं जाना है, मुझे डर लग रहा है। कभी अपने इशारों पर प्रयागराज को नचाने वाला अतीक अहमद को अब उसी प्रयागराज आने से डर लग रहा है। यूपी की सरकार को अपनी मुट्ठी में रखने वाला अतीक आज उसी प्रदेश के मुख्यमंत्री से इतना डर चुका है कि बार बार अपनी जान की भीख मांग रहा है। बहरहाल उमेश हत्याकांड में यूपी पुलिस की ये अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। अतीक अहमद से जरूरी पूछताछ सूरत के जेल में कर लिया गया था, अब उसकी शिफ्टिंग प्रयागराज की जा रही है, जिसके बाद यूपी पुलिस के स्पेशल टीम अतीक से उमेश हत्याकांड में जुड़े तमाम बिंदुओं को जोड़ेगी। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए TNN वर्ल्ड के साथ।